यहाँ पे सामने में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्लैब कास्टिंग का काम अभी चल रहा है और यहाँ पे दो स्लैब है जिनको ज्वाइन करना है। तो इसको फ्यूचर में वहाँ पे लीकेज ना आए उसके लिए आपको यहाँ पे डालना रहता है केमिकल। एक सिक्का कंपनी का केमिकल आता है जिसको सीमेंट के साथ घोल बना करके आपको उस पर वो करना रहता है, छिड़काव जैसा करना रहता है। और ये 15 मिनट पहले ही करें, 10 से 15 मिनट पहले, उसके बाद जो है इस तरफ स्लैब का कॉन्क्रीटिंग है वो स्टार्ट करें। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरीके से स्टील को, इस तरीके से आपको जो स्लैब, जो ओल्ड स्लैब है, इस तरीके से आपको छोड़ना है कि इस पर स्टील जो है वो प्रॉपर दिखता रहे। और आगे जो है आपको जो भी लैपिंग करना है वो आप इस पर 50D के अकॉर्डिंग लैपिंग करके आप इसको केमिकल डाल के प्रॉपर एक बार इसमें पानी मार लेना, उसके बाद जो केमिकल डालना। यहाँ पे जो है पेस्ट बनाया जा रहा है, एक मिक्सचर जो बनाया जा रहा है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और उसको बराबर रेशियो में मिला करके इस तरीके से गोल गोल मिक्स करके आपको एकदम घोल बना लेना है। उसके बाद जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे आपको इसको डालना है हल्का हल्का ब्रश से, यहाँ पे और केमिकल डालने के बाद ही इसमें कॉन्क्रीटिंग डालें। ये वाला केमिकल यूज़ कर रहे हैं सिक्का। यहाँ पे जो देख रहे हैं दो स्लैब के बीच का जो जॉइंट है कॉन्क्रीटिंग हो गई है, तो अभी ये मिस्त्री जो उसको जॉइंट को प्रॉपर मिला रहा है। यहाँ पे वाइब्रेटर प्रॉपर चला है, यहाँ पे ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब को जॉइन करने के लिए। तो ये 6 इंच का है, यहाँ पे ये है बीच में जो दिख रहा है स्टील है, तो इसको इस तरीके से ब्रेकर से तोड़ लें ऐसे थोड़ा स्लोप जैसा इस तरीके से, और इसके इसके जो बार है वो अलग से ऐसे दिखते रहे यहाँ पे। इस तरीके से स्लैब तोड़ लेने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका स्टील है वो 50D के अकॉर्डिंग 500 mm तक लैप करना है। यहाँ पे पहले यहाँ पे इस तरीके से लैप कर लें और बांध लें स्टील को इस तरीके से, आगे जो आपकी स्लैब जो एक्सटेंड हो रही है आगे की तरफ इस तरीके से, यहाँ पे ये दिखना चाहिए गैप जो है तोड़ करके। जो केमिकल नेम है सिक्का, इस कंपनी का आएगा केमिकल और इसकी क्वांटिटी 20 लीटर होती है और ये 6,000 रुपये के आसपास में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा।